हाँ, राजस्थान में वहाँ पर जो है आप लोगों को जीत तकरीबन तकरीबन मिल चुकी है, किस तरीके से देखते हैं आप राजस्थान करणपुर सीट जो आप? देखिए, 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है, चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी को मंत्रिपरिषद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ, तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता तो ना तो डाक बंगले रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी करी, हमें वहां भी चाहिए सीट, गोवा में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, पार्टी है बंगाल क्या कह रहा है, महाराष्ट्र क्या कह रहा है, आप क्या कह रही है, इन बातों में ना मीडिया को पढ़ना चाहिए ना किसी को पढ़ना चाहिए। खबर तो चलानी है ना। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है आगे आकर के, सबको आह्वान करके, अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज दूसरा दिन है जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने भी आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। गठबंधन हो जाए और अमुक पार्टी के कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिल रही इस पार्टी को, उस पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े ही नहीं वहां काम करने के लिए, तो गठबंधन कामयाब कैसे होगा? तो सारी बातें देखनी पड़ती है कि टिकट भी मिले, जिस पार्टी को टिकट मिले और गठबंधन में दूसरी पार्टी वहां पर है जो टिकट नहीं मिला है, उस पार्टी कार्यकर्ता भी उनके लिए लग जाए काम करने के लिए, तब असली गठबंधन का मतलब होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चैलेंज हमारे सामने है इन लोगों का, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, और खाली अपने भाषणों से और सत्ता के बल प्रयोग से एक तरफा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है, पूरा देश चिंतित इस बात को लेकर, बोल नहीं पा रहा डर के मारे। तो मैं समझता हूँ कि उन सबकी धज्जियां उड़ रही है, और गठबंधन कामयाब हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगली बार मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे।